मन की बात यानी जन जन की बात। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया यह अभिनव अभियान आज लाखों करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री जी प्रत्येक माह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समरसता के विषयों पर जनता से उनके अनुभवों और सुझावों पर चर्चा करते हैं। 9 सालों से लगातार प्रसारित हो रहा यह कार्यक्रम भारतीय जनता और उनके प्रधान सेवक के बीच संवाद की एक अटूट कड़ी बन गया है। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की गई। जन चेतना का संचार करता माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम गांव खलियानों से लेकर आधुनिक महानगरों में जनमानस की हृदय वीणा को झंकृत करता है। मन की बात की 100वीं श्रृंखला के अवसर पर संपूर्ण भारत के साथ राजभवन उत्तराखंड में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं प्रसार भारती द्वारा विशेष स्क्रीनिंग और कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने किया। बहुप्रतीक्षित मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें देशवासियों से जोड़े रखा। उनके लिए ये एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था और पूजा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है। मन की बात के 100वें भाग को राजभवन में देखने के बाद माननीय राज्यपाल ने मन की बात की 100वीं कड़ी को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह एक आत्मिक जुड़ाव वाला कार्यक्रम है जो लोगों को लोगों से जोड़ता है। और जब भी मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र होता है तो उन्हें गर्व महसूस होता है। आज जो सेंचुरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में हासिल की है, अपने आप में वो एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड है जो आने वाली नस्लें और पूरा संसार इस चीज से सबक लेगा कि किस प्रकार परिवार का मुखिया अपने परिवार के साथ में बात करता है। हमारे परिवार में जो जिनका जिक्र हुआ है मन की बात में, आप हमारे आदर्श हैं। यू आर आ हीरो एंड हीरोइंस, आप हमारे आइकॉन्स हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप उस लाइन के मुखिया हैं जिसको फॉलो करके हम एक क्रांति लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमको हमारे से ये कोई नहीं छीन सकता है और ये कार्य है जिससे हम पूरे राष्ट्र को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए संपूर्ण राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्दों का अनुसरण कर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए संकल्पित है। सही मायनों में कहा जाए
तो मन की बात कार्यक्रम की हर कड़ी भारत के कौशल, समृद्धि, संपन्नता और विकास का आईना है, जो युगों युगों तक भारतीयों के मन को एकजुटता के सूत्र में बांधे रखने का कार्य करता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता रहेगा।